हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। ये कक्षा 11वीं रसायन में चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था करने के लिए तीन मॉडलों के बारे में पहले से बता दिया था। वो था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु मॉडल, और दूसरा था आपका जे थॉम्सन का तरबूज मॉडल। उसके बाद मैंने बताया था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग या फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया गया अनेक प्रकार के मॉडल आने प्रारंभ हो चुके थे। तो सन 1913 में निल्स बोर नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की व्यवस्था करने के लिए, इस टाइम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की व्यवस्था होनी थी क्योंकि अपने पास न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे नहीं हो पाई थी। तो अगर देखा जाए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को इसकी पिछली वीडियो में, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर पृथ्वी कक्षाओं में इस प्रकार से गति करते हैं, और एक टाइम ऐसे आता है कि वो नाभिक में जा करके गिर जाता है। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक नए टाइम पे समाप्त हो जाती है, और नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। तो धनावेश नाभिक में इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें गिर जाते हैं। तो उससे ये पता नहीं चलता कि परमाणु स्थायी है कि नहीं है, यानी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या यहाँ पे आपको नहीं पता चलता रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। तो आज हम बोर के परमाणु मॉडल से ये समझेंगे कि परमाणु स्थायी क्यों रहता है। जैसे कि ये मेरे एक क्या है, पदार्थ है। अगर ये पदार्थ है तो इसके अंदर परमाणु होगा। अब परमाणु होगा तो परमाणु तो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिखता और इसको जैसे कि तैसे रख दूंगा तो ये कभी खत्म तो होता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु कभी भी खत्म नहीं होता, यानी कि वो स्थायी रहता है। तो इस स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। साथ ही साथ रदरफोर्ड की एक और कमी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अगर ऊर्जा अपनी खो रहे हैं तो आपका जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो एकदम सतत रूप से इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये क्या है, सतत स्पेक्ट्रम है, जो कि वास्तव में क्या होता है वो एक असतत स्पेक्ट्रम यानी रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन देखा जाए तो रदरफोर्ड ने किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की। तो हम लोग क्या करेंगे, बोर के परमाणु मॉडल से पहली बात तो ये समझेंगे कि किस प्रकार से परमाणु स्थायी रहता है, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रम की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर के परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिया गया था। इसने परमाणु मॉडल जो दिया था वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए दिया था। तो उसके लिए मैं एक परमाणु की संरचना आपको बता के बताता हूँ कि निल्स बोर वाक्य में बोलता क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो मैं जैसे कि आपके पास एक नाभिक होता है, या मेरे पास एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज तो नहीं हुई थी। अब इसके चारों ओर मैं विभिन्न कक्षा बनाता हूँ, ये कक्षा होगी, फिर ये वाला कक्षा हो गया, फिर ये वाला कक्षा बना दिया मैं, फिर मैं चार कक्षा बना रहा हूँ। विभिन्न प्रकार के कक्षा होते हैं ऐसे। तो सबसे पहले बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के ऊपर आधारित है। उसने ये बताया कि परमाणु के चारों ओर, परमाणु के नाभिक की चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सतत रूप से लगातार रूप से नियत कक्षा में नियत ऊर्जा लेकर के, नियत ऊर्जा का मतलब होता है यानी उसकी ऊर्जा अगर जितनी है पहले उतने ही बाद में भी रहेगी, तो वो अपनी ऊर्जा को बिना खोए इस वृत्तीय कक्षाओं में, इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते रहेगा, गति करते रहेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लगातार गति करते रहेगा एक नियत कक्षा में। हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार से वो सब क्या करते रहेंगे, इस नियत कक्षा में ऊर्जा को नियत लेकर, यानी कि न तो ऊर्जा वो खोएगा, न ही कुछ करेगा, न ही ह्रास करेगा, कोई हानि नहीं होगा, और बिना ऊर्जा की हानि हुए वो लगातार इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करेगा। इस प्रकार से मैंने पहला बिंदु बताया, एक वृत्तीय कक्षाओं के बारे में बताया, और वो कक्षा जो होते हैं वो
नियत ऊर्जा वाले होते हैं। उन कक्षाओं का नाम जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा चार कक्षा आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन चारों इन सभी कक्षाओं का नाम उन्होंने एन दिनों पे किया और इनका कहा गया कक्षा घर, ये कक्षा नाम दिया या फिर इसको कक्ष भी कहा जाता है। कहीं कहीं बुक पे आपको कोच भी मिलेंगे और चूंकि इन कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है इसलिए इनको ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। ये एन बराबर एक है, ये एन बराबर दो है, ये एन बराबर तीन है, ये एन बराबर चार है। मैं चार ही कक्षा लेकर के आपको समझाया। अगर यही कक्षा की कोई निश्चित ऊर्जा होती है तो इसे हम लोग के एल एम एन से रिपीट करते हैं, के एल एम एन ओ पी ऐसा करके चलते रहेगा। इस प्रकार से कक्षा को हम लोग एन से निर्मित करेंगे और इस कक्षा के बारे में कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं करके इस बोर में सबसे पहली बात बोली और एक नियत ऊर्जा लेकर के गति करते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रकार से निर्मित किया जाता है। अगर हम चाहें तो कक्षा को दर्शाने के लिए एन बराबर एक यूज कर सकते हैं और अगर इस कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है तो इसको हम लोग ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। ऊर्जा स्तर अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो पोस्ट को हम लोग स्पेल बोलेंगे, अंग्रेजी नाम भी याद रखना पड़ेगा और कक्षा को हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे और ऊर्जा स्तर को बोलेंगे एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले यही बात बताई कि कक्षा क्या होता है, ऊर्जा स्तर क्या होती है और ये वृत्ताकार कक्षा होता है और इस वृत्ताकार कक्षा की ऊर्जा नियत रहती है। जैसे इसकी इस कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो अगर 5 जूल की है तो इसकी थोड़ा ज़्यादा होगी, जैसे 10 जूल होगा ये 15 जूल मान लो, ये 20 जूल मान लो, यानी जैसे तैसे हम नाभि से दूर जाते हैं कक्षाओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए जो सबसे नीचे वाली जो ऊर्जा स्तर होता है उसे हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं और जो आखिर वाला जो ऊर्जा स्तर होता है उसे उच्च ऊर्जा स्तर कहा जाता है। आगे वाले जितने भी ऊर्जा स्तर हैं ये सबको हम लोग उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं, ये बात को याद रखिए। अब जो दूसरी बात बोला था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार एक नियत कक्षा में नियत ऊर्जा लेकर के अगर गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है और प्रोटॉन धन आवेश है, नाभिक धन आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की ओर आ क्यों नहीं रहा है। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जैसे यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेरे लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक दिशा में बाहर मान के चलो ये किसी भी समय गति कर सकता है लेकिन समझ लो कि इस समय गति कर रहा है, तो ये जो है प्रोटॉन के पास जो कि धन आवेश है उसके पास आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार के बल लगते हैं, एक बल जो होता है जो इस केंद्र के अंदर की ओर लगता है, जो केंद्र के अंदर की ओर लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ अभिकेंद्र बल बोलते हैं, और जो बाहर की ओर लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्र बल। केंद्र से बाहर की ओर अगर लगता है तो अपकेंद्र बल बोला जाता है और अभिकेंद्र बल जो होता है वो अंदर की तरफ लगता है, केंद्र के अंदर की ओर लगता है, इसे अभिकेंद्र बल होते हैं। तो ये दोनों बल जो होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षाओं में गति कर रहा है तो उसके ऊपर दो बल लगेगा, एक केंद्र की ओर लगेगा उसे अभिकेंद्र बल बोलते हैं, एक केंद्र की बाहर लगेगा उसे अभिकेंद्र अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो ये दोनों बल परिमाण में इसके मान में समान होते हैं, यानी दोनों बलों का मान समान होता है, अतः उन दोनों बल इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बना के रखते हैं, संतुलन में रखते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आकर्षित नहीं हो पाता और एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, निश्चित ऊर्जा लेकर के गति करते हैं, ये बात करते हैं। और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन इस निश्चित कक्षा में ऊर्जा लेकर गति करता है तो उसका एक कोणीय संवेग आता है, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग उसका जो फॉर्मूला होगा, कोणीय संवेग का फॉर्मूला वो होता है आपके पास एम वी आर होता है, ठीक है। अगर हम लोग अगर 11वीं में पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में देखे होंगे तो जो रेखीय संवेग होता था, एक संवेग और आता है तो उसका सूत्र एम वी होता था, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या आ रही है तो ये एम वी आर होता था। तो ये कोणीय संवेग एम वी आर है, ये कोणीय संवेग का मान हमने बताया एन एन बटे 2π, इस प्रकार हमने बताया है एन एन बटे 2π करके उन्होंने ये बताया, सॉरी 4π है, 2π, तो एन बटे 4π करके उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में गति करता है तो उनका कोणीय वेग एन एच बटे 4π होगा, जहाँ पे एन बराबर 1, 2, 3, 4 यानी कक्षाओं की संख्या है, ये देखा जाए तो कक्षा को बता रहा है और एच आपका बताया था, एच आपका प्लांक नीतांक होता है, प्लांक नीतांक जिसका मान मैंने आपको कई बार बताया था 6.62×10⁻¹¹ जूल सेकंड। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन
निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं तो उस गति करने के लिए जो पूरी समय लगता है वो एनएच बटे 2 पाई करके होता है। ये बात को याद रखें। अब एक बात जो लास्ट उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चाहे तो ऊर्जा लेकर के अपनी मूल अवस्था से अपनी जो स्थिति है उसको मूल अवस्था यानी सामान्य अवस्था कहा जाता है उस अवस्था को छोड़ करके वो अगले ऊर्जा स्तर यानी उच्च ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये इस अपने ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर से ए वाले ऊर्जा स्तर से ए वाले ऊर्जा स्तर में घुस सकता है, चाहे तो एम वाले ऊर्जा स्तर में और अधिक ऊर्जा लेकर घुस सकता है और एन वाले ऊर्जा स्तर में भी या फिर इसके आगे वाले जितने भी ऊर्जा स्तर है उसमें जाके घुस सकता है। और जैसे बाई चांस समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास ये लास्ट वाले एन है जो आखिरी ऊर्जा स्तर है एन, अब उसमें जाके अगर ऊर्जा लेगा ये बाहर से इसको ऊर्जा मिलेगा एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी ले करके इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगी तो अपने ऊर्जा स्तर को छोड़ करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट वाले ऊर्जा स्तर में आ गया, वो लास्ट वाले ऊर्जा स्तर में आ तो गया लेकिन अब वो तुरंत वापस भी जाएंगे। वापस कैसे जाएंगे? वापस जाने के लिए इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। रास्ता ये है तो चाहे तो पहले वाले में ये जो वाला है ये आपका एम वाला है एम ऊर्जा स्तर में आ जाए, या फिर चाहे तो डायरेक्ट वो एन वाले में आ जाए ए वाले ऊर्जा स्तर, या फिर अपने डायरेक्ट जगह पे आ जाए अपने घर पे आ जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो अपने घर पे वापस अपनी मूल अवस्था में जाता है। तो अगर क्वेश्चन अगर बने ये बनेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर पे कूदता है तो वो कितने समय के लिए वहाँ पर रुकता है, तो याद रखना 10^-8 सेकंड के लिए, यानी कि 10^-12 सेकंड 0.00 करके आपके 8 नंबर होना चाहिए, उतने सेकंड तक वहाँ पर रुकता है और फिर वापस तुरंत अपने मूल अवस्था में जाता है। लेकिन जब जाता है वापस तो जाते वक्त वो अपनी ऊर्जा का दान कर देता है, अपनी ऊर्जा वापस उत्सर्जित कर देता है। और जब ऊर्जा उत्सर्जित कर देगा जाते वक्त तो ऊर्जा से यहाँ पर उत्सर्जित कर दिया तो ऊर्जा उत्सर्जित करने से स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन इतने कूद जा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉन अगले वाले उसके ऊर्जा स्तर में कूद जा रहे हैं, कभी आखिरी वाले ऊर्जा स्तर में कूद रहा है, कभी वापस आ रहा है तो कभी पहले वाले में आ रहा है, कभी दूसरे वाले में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा त्याग देगा तब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त जब होगा तो वो कभी रेखीय प्राप्त होता है, सतत रूप से प्राप्त नहीं होता, एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे जो कि आपके बोर के परमाणु मॉडल से पता चलेगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहले बिंदु ये देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक नियत कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में एक नियत वेग से गति करता है और उसकी जो ऊर्जा होती है वो इस जिस कक्षा में गति कर रहा है उसकी ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो नाम है वो बताया था कक्षा कक्ष कोष या फिर इसको ऊर्जा स्तर नाम दिया जाता है कक्षाओं को। और साथ ही साथ ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर गति करते हैं नाभिक के चारों ओर तो वो नाभिक के पास इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उसके पास दो बल लगता है, एक अपकेंद्र बल लगता है एक अभिकेंद्र बल लगता है, दोनों बल इस इलेक्ट्रॉन को संतुलित बना के रखते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर नहीं जाता जिससे उसका अस्तित्व बना रहता है। और जो तीसरी बात थी वो थी कोणीय समय के बारे में कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में गति कर रहा है तो उसका कोणीय समय इन्हें बटे 2π का होना चाहिए, जहाँ पे n का मान होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे डेढ़ और आपका एच जो होता है प्लैंक की ताकत होता है जिसका मान 6.634 जूल सेकंड होता है। इस प्रकार से और हम लोग ने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी ऊर्जा स्तर से अगले वाले ऊर्जा स्तर में कूद सकता है और वापस आते आते कई मार्गों से होकर आ सकते हैं जिससे ऊर्जा का त्याग कर देता है उत्सर्जित कर देता है जिससे स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं रेखा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल को अच्छे से समझा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो धन्यवाद।